हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। चलिए पहले आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे की रीडिंग करेंगे, ठीक है? देखिए 1616 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको एंजल्स जो है गाइड कर रहे हैं और असिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, आप फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़िए, ठीक है? आपको उसमें भी जो है आपको ऑप्शन मिले हुए हैं, उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर 2020 अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए और अपने कनेक्शन को लेकर के आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है? आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको देखिए कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं और थोड़ा पॉजिटिव रहिए, ये कहा जा रहा है। 444 अगर आपको दिखती हैं तो यूनिवर्स आपको फुली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? आप अपने पाथ पर आगे बढ़ते जाइए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये कहा जा रहा है। 828 कार्मिक जस्टिस विल बी सर्व फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। जो भी कार्मिक आपकी लाइफ में अभी फिलहाल इन्वॉल्व हैं वो आपके हाइएस्ट गुड के लिए हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं वो आपके हाइएस्ट गुड के लिए है, इसीलिए जो है आप उनको देखते रहिए चुपचाप, ठीक है? 945 आप अपने पार्टनर के साथ में जो है आगे बढ़िए, कम्युनिकेट करिए और इंटीमेट लेवल तक आप उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ते जाना है, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अभी हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, क्या खुलासा होगा आज देखेंगे। चलिए देखते थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। पहले हम थर्ड पार्टी के कार्ड निकालेंगे, फिर हम आपके लिए देखेंगे उनका एक्शन क्या होगा आपको लेकर के, ठीक है? बहुत सीक्रेट्स हैं आपके पीठ के पीछे, कुछ साजिशें चली जा रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपको कुछ बताया जाता है और आपके पीठ के पीछे कुछ और ही साजिश चल रही है यहाँ पर, क्योंकि सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं यहाँ पर, स्पिरिचुअलिटी का बहाना बना करके आपके से जो है वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को प्यार का ऑफर मिल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की तरफ कोई प्यार का ऑफर भी आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनसे एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि गाइस की वो स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आपके पार्टनर की फैमिली और कोई अदर पर्सन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? और चलिए और देखते हैं। दो राय पर खड़े हैं आपके पर्सन, को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कार्ड अपने आप निकल रहे हैं। देखिए आपके पर्सन रेडी भी खड़े हैं, आपके पर्सन नई शुरुआत करने के लिए रेडी भी खड़े हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, और उनको उनका कर्मा भी भोगना पड़ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी फिलहाल जो है आपके पर्सन को उनका कर्मा मिल रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड जो है कर्मा को दिखाता है। आपके पर्सन कुछ कर्मा भोग रहे हैं, इसी वजह से वो आपसे दूर भाग रहे हैं और इसी वजह से वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी और के साथ में, और इसी वजह से जो है उनको कर्मा भी भोगना पड़ रहा है, क्योंकि वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और उनके फैमिली मेंबर्स और वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स आपसे रख रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का बहाना बना करके लूट रहे हैं लोगों को, और कुछ नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्स है यहाँ पर, उनकी मदर हो सकती है, या आपकी जो है आपकी जेठानी वगैरह, ननद वगैरह, या आपकी मदर इन लॉ, या आपके फादर इन लॉ, या फिर आपके जेठ देवर, कोई भी हो सकती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स है, क्वीन ऑफ सोर्स जो है ये किसी को नहीं छोड़ने वाली, ये आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, मदर इशू हो सकती है आपकी लाइफ में। ये लेडी बहुत ही तेज़ है, ये हद से ज़्यादा तेज़ है, ये इसका दाव जहाँ बैठता है ना उसको ये जड़ से ख़त्म कर देती है, ठीक है? ऐसी लेडी है ये, जड़ से खा जाती है, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर कोई चीज़ थी, ख़त्म ही कर देती है उसको, उसका नाम और निशान वहाँ पर रहता ही नहीं है, ठीक है? आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके बहकावों में चल रहे हैं, जैसा वो कर रही है वैसा ही चल रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपको वो एक एम्प्रेस की तरह देखती हैं, आप मदरली नेचर है आपका, आप अपने बच्चों की काफ़ी टेंशन ले रहे हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी में जो है आपके पर्सन इन्वॉल्व हैं और मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कोई भी एक्शन ले रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास बहुत ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन 7 of Cups का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, और उन ऑप्शंस की तरफ ही वो बढ़ रहे हैं और उन्हीं में से किसी को चुनने वाले हैं, उन्हीं कोई कमिटमेंट देने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? अभी मैं आपके लिए देखूँ तो आप इस बर्डन को उठाए जा रहे हैं, आप इस बोझे को उठाए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, आप
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाए जा रही हैं और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं कि मुझे सब कुछ करना है, क्या किया जाए, ठीक है। और आपके लिए जो है आपकी पर्सन सिर्फ अट्रैक्शन फील करती हैं और इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है और प्यार, यहाँ पर प्यार नाम की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन ऑन ऑफ की सिचुएशन में आपके साथ रहते हैं, वो आपको वेटिंग मोड पर रखते हैं, आपके साथ में भी वो बने रहना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ भी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे हैं और भी इंजॉय कर रहे हैं, और भी कोई पर्सन उनको जो है ऑफर दे रहा है उसकी तरफ भी वो बढ़ना चाहते हैं, और ये आपको वेटिंग मोड पर रख करके लटका रखा है बीच में और इनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, ठीक है। क्योंकि आपके हो सकता है बच्चे हों जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपको भी वेटिंग मोड पर रख रहा है और अपनी लाइफ में ये भागता फिरता है, दो दिन चार दिन आता है फिर भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सेवन ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है? चीटिंग, धोखा। सिर्फ आपके पर्सन जो है आपको धोखा देकर चले जाते हैं, आते हैं दो चार दिन एनर्जी सक करके फिर चले जाते हैं धोखा देकर के, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चलिए और देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फिर आप स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में, आप ठीक ठाक चलते हैं अपनी लाइफ में दो चार दस दिन बीस दिन और फिर आपको धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं और फिर आप स्टक हो जाते हैं और फिर जो है आप जगल करना शुरू कर देते हैं। आप अपने जॉब करियर में या फिर अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में आप जगल कर रहे हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, वो आपको स्पाई भी करते हैं कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और उनको लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ खाली जो है ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं हर चीज का, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि आप काफी मैच्योर पर्सन हैं, काफी स्टेबल पर्सन हैं, आपके पास में स्टेबिलिटी है और आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, मैनेज करना जानते हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके आसपास कितनी नेगेटिविटी है ये बताती है कि आपके पर्सन उसके इफेक्ट में हैं, इसी वजह से आपकी लाइफ में ये सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ये सारे इश्यू हो रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि द मून का कार्ड है, द मून का कार्ड नेगेटिविटी को दिखाता है, सीक्रेट्स को दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपको पता भी नहीं है कि आपकी पीठ के पीछे क्या चल रहा है, ठीक है। आप काफ़ी परेशान रहते हैं कि दो चार दस दिन ठीक चलता है फिर उसके बाद में स्ट्रक हो जाते हैं, रोते रहते हैं, सोते नहीं हैं कि ये मेरी लाइफ में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान कौन से कर्मों की सजा मुझे दे रहा है, ऐसा आप सोचते रहते हैं, ठीक है। और चलिए और देखते हैं, टावर आता है आपकी लाइफ में, हो सकता है ये टावर बार बार आपकी लाइफ में आता है और इसी वजह से आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं, आपकी नींद हराम हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो है किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, आपके पर्सन को कंट्रोल करने वाली क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर आपको कंट्रोल करने वाला किंग ऑफ सोर्ड्स है जो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। ये दोनों ही मिलकर के किसी के फादर इन लॉ हो सकते हैं, किसी के मदर इन लॉ, इश्यू दोनों ही हो सकते हैं, किसी के में भैया भाभी जेठ देवर ननद कोई भी हो सकती है, किसी की सिस्टर भी हो सकती है जो उनकी लाइफ को खराब कर रही है। यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी ईगो में आकर के आपकी लाइफ में बार बार टावर लेकर आ रहा है, बार बार आपके पर्सन का ब्रेन वॉश करता है, बार बार आपके पर्सन को उल्टा सीधा भरता है, इसी वजह से आपके पर्सन आपके साथ जो है गलत बिहेव करते हैं, आपके साथ में ठीक से वो बात नहीं करते हैं और फिर टावर आ जाता है और फिर वो आपके पर्सन जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। आप एक ही फैमिली में रहते हो, चाहे छत के नीचे चाहे कैसे भी रहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में खुशी आए कभी भी, ठीक है। उनको तभी खुशी मिलती है जब आप लोगों की लड़ाई होती है। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे तुरंत बात करना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन भी ले आते हैं, क्योंकि उनको आपको वेटिंग मोड पर रखना है और कुछ नहीं लेना देना है। आप काफ़ी सोचते रहते हैं कि कब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, कब ठीक होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर मुझे काफ़ी साल से ऐसा ही लग रहा है। आपके 15-20 साल हो गए होंगे, किसी को 9-10 साल हो गए होंगे, किसी को 12-13 साल हो गए हैं, किसी को जो है 8-7 साल हो गए हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कंटिन्यूस ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और आप वेट कर रहे हैं कि कभी तो ठीक होगा, कभी तो ठीक होगा। आप हर बार अपने पर्सन पर ट्रस्ट करते हैं, आप हर बार मौका देते हैं अपने पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन को मैंने बताया यहाँ पर बहुत ऑप्शन है उनके पास में, इसी वजह से वो घूमते फिरते हैं इधर उधर। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको इसलिए वेटिंग मोड पर रखते हैं क्योंकि आपसे उन्होंने शादी की है, बच्चे होंगे, इसी वजह से वो आपको वेटिंग मोड पर रखते हैं, ठीक है। उनको और कोई लेना देना नहीं है, ताकि ये बंदा यहाँ पर बंधा रहे और ये कहीं एक्शन ना ले, इसीलिए जो है दो चार दस दिन ठीक से बात करते हैं और फिर भाग जाते हैं।
आप अपने वर्क में बिजी हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, अपना वर्क में बिजी हैं, आप सारे दिन काम करते हैं, और चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप कोई जॉब करियर में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे अपना खुद का बिजनेस हो, किसी भी तरह से आप जो है अपने काम में बिजी रहते हैं, अपना ये सोच करके कि मुझे तो अपना जीवन जीना ही है, और आप अपने वर्क में बिजी रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्स और किंग ऑफ सोर्स है ना, इसकी वजह से। देखिए फिर से आए किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पर इनके पास में बहुत फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, इसी वजह से आपका जीना हराम इन्होंने कर रखा है, और आपके पर्सन को इसीलिए लालच देते हैं, और आपके पर्सन लालच वसीभूत होकर के इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और इस लालच की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, और इसी वजह से जो है आपकी लाइफ में बार बार टावर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक ये मरेगा नहीं, ठीक है। ये फिर आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, आपके जेठ देवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये इंसान जब तक जिएगा तब तक अपनी ईगो से आपको ऐसे जलाता रहेगा, ठीक है। हाँ, जलते रहना अगर इसी के साथ रहना है तो, ठीक है। चलिए और देखते हैं, आप काफ़ी प्रे कर रहे हैं कि भगवान कभी तो सब कुछ ठीक कर दीजिए, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। आगे गॉड की मर्जी है क्या करेगा। चलिए देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, आपके पर्सन का। चलिए देखते हैं, वो भी भगवान से तो प्रे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रे से क्या फ़ायदा है, जो धोखा ही धोखा देता है। देखिए एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो भी एक्सपीरियंस से आगे बढ़ रहे, लेकिन प्लेफुल की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन जब सुधरेंगे तब सुधरेंगे, जब उनको अकल आएगी, जब वो मैच्योर होंगे तभी आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो है उनको सजना संवरना, एंजॉय करना, फ्लर्ट करना, इस तरह की एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए इस एनर्जी में है तब तक ऐसे ही रहेंगे जब तक इनकी एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है। देखिए चेंज तो आएंगे, टेंशन ना लें आप, चेंज तो आएंगे, वक्त के अकॉर्डिंग ये बदलेगा जरूर, जब ठोकरें पड़ेंगी वक्त की तब ये बदलेगा जरूर। देखिए अभी तो इसने एनर्जी सक्कर बना रखा है अपना रिलेशनशिप, ठीक है, दुखी कर रखा है आपको भी, मेरे व्यूअर्स को भी। देखिए यहाँ पर उनकी शैडो साइड बाहर निकलती है बार बार, पता नहीं कितनी शैडो साइड लेकर बैठे हैं। देखिए पोस्टपोन करते हैं चीज़ों को, अब मैंने उनका नेक्स्ट एक्शन पूछा तो पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को, वो रिसेप्टिविटी यहाँ पर एनर्जी सर्कल बना रखा है, रिलेशनशिप चेंज आएंगे तब तक आप वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और तब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। जब ये इंसान बदलेगा प्लेफुल की एनर्जी से, ये ठीक हो जाएगा, तभी आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आ सकती हैं, वरना मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ये पर्सन बदलेगा, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, बाय बाय।